फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं पर्सनली आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं, मेरे ख्याल से वो फिल्में इतनी बड़ी तभी हुई कि इनका करेक्टर इतना बड़ा था उसमें। बहुत स्पेशल करेक्टर था। थैंक यू। तो आप सर, इतने सारे करेक्टर्स आप प्ले करते हो, तो मुझे ये जानने की थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हो? जैसे कभी आप कॉमिक कर रहे हो, कभी नेगेटिव कर रहे हो, तो कभी सीरियस वाला कर रहे हो, तो कैसे ये आप प्रिपरेशन करते हो? ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब कहने को मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ और अच्छा भी लगेगा अगर मैं आपको कंफ्यूज कर दूँ तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अलग अलग लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं जी। या आप अपने आर्टिकल्स लिखते हैं या रिपोर्ट्स करते हैं जी। वो सभी अलग अलग होती हैं लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं उन्हें। उसी तरीके से दिस इज़ आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, दिस इज़ माई सेकेंड नेचर। तो ये मेरे को ये इंस्टिंक्टिवली होता है जी जी। जहाँ तक बात है प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन हमेशा होता है लेकिन बेस्ट कहते हैं, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि द बेस्ट इंस्टीट्यूट इज लाइफ, सिमिलरली आर्ट में तो ये बहुत ज्यादा होता है जी जी। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब, जैसे मुझसे जॉली के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साहब ये जज का कैरेक्टर तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा, तो मैंने कहा तकरीबन 35 साल। 35 साल, क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। सो द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है एक कैरेक्टर पे आप वक्त देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं जब भी स्क्रिप्ट आती है, वो सब होता है लेकिन लाइफ एक्चुअली टेल्स यू एक्सपीरियंसेस जी, और वो सब का कलेक्शन होता है जब फाइनली आप परफॉर्म करते हैं।